लोगों ने कारवां को चलाना आरंभ किया है और आगे बेहतर रूप से हम लोग कारवां को चलाएंगे। जिस रूप में आपने देखा है कि जब लड़ाई छिड़ी राज्य में तो कहीं ना कहीं हमारे कौम के लोग नहीं थे, लेकिन ये एक अफवाह फैला दिया गया कि झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच जो है कि मुस्लिमों की अगुवाई करता है। लेकिन आप देखें, हमारे साथ में लगातार कदम से कदम मिलाकर अनिल साहू जी चलते हैं और बहुत सारे हमारे साथी हैं, प्रवीण कच्छप जी भी हैं और तमाम लोग हमारे साथ में हैं और वो मुस्लिम मंच को कॉपरेट कर रहा है कि इस लड़ाई को धार देने के लिए तमाम जातियों को एक जगह पर आना होगा। हम लोग बेहतर का प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रथम जिला सम्मेलन हजारीबाग में हुआ है, आगे गिरिडीह में होगा, बोकारो में होगा, फिर रामगढ़ होते हुए हम लोग रांची में अधिवेशन भी करेंगे और बड़ी तैयारी के साथ में हम लोग राज्य को एक नई दिशा देने का एक प्रयास करेंगे। मुद्दा क्या होगा आप लोगों का? अभी जिस मुद्दे को माननीय मुख्यमंत्री महोदय नज़रअंदाज कर रहे हैं, उसी मुद्दे को हम लोग स्थानीय नीति नियोजन नीति पर काम करेंगे और उसी की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे। आपको लगता है कि आपकी बिरादरी को न्याय मिल पा रहा है? मॉब लिंचिंग की न्याय की मिलने की बात हो या तमाम जो सुविधाएँ मिलने की बात हो? देखिए, माननीय हेमंत सोरेन जी ने जिन वादों के साथ में, जिन घोषणाओं के साथ में सरकार पर काबिज़ हुए हैं, जिन्होंने शीर्ष कुर्सी को पाया है, मुझे नहीं लगता है कि वो राज्यवासियों के हित के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जोहार यात्रा निकाल देने मात्र से राज्य का विकास, राज्य का कल्याण नहीं हो जाता है। आपने कहा है कि हम मुस्लिम हितैषी सरकार हैं, आपने कहा है कि आदिवासी हितैषी सरकार है, लेकिन यदि आप मूल्यांकन करोगे पत्रकार बंधु, तो आपको पता चलेगा कि ये ना तो आदिवासी हितैषी सरकार है ना तो मुस्लिम हितैषी। आपने सारे सिस्टम पर काम करने का काम किया, लेकिन वक्फ बोर्ड नहीं बनाया आपने। आपने उर्दू के बात को कहा कि आप आलिम फाजिल का जो दर्जा था, आलिम फाजिल के माध्यम से जो हमारे छात्र, जो हमारे लोग, हमारे स्टूडेंट मुस्लिम समुदाय के लोग रोजगार पाते थे, टीचर पर बहाली करते थे, टीचर बनते थे, आज उसको आपने नज़रअंदाज कर दिया, आपने उसकी मान्यता को ख़त्म किया। तो आप कहते हैं कि हम मुस्लिम के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन मुस्लिमों को केवल आपने वोट बैंक समझकर रखा है। लेकिन इस बार 24 में युवा तैयार हैं, मुस्लिम वर्ग तैयार हैं, दिशा बदलेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार को बदलने का हम लोग काम करेंगे। भाजपा क्या अल्पसंख्यकों के लिए काम करती है? UCC का समर्थन करते हैं आप? देखिए, जिसको कहते हैं कि बिलकोर्ट, जिनको यूनिफॉर्म पर, खुद के यूनिफॉर्म पर ध्यान देना चाहिए, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, मैं मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं गलत है। भाजपा सरकार में सुरक्षित है अल्पसंख्यक? राज्य की सरकार पर जो बातें कही, क्या भाजपा के सरकार में सुरक्षित? मैं भाजपा सरकार नहीं, मैं अभी चूंकि हमारी, मैं कोई पॉलिटिकल लीडर्स नहीं हूँ और ना हम अल्पसंख्यक के हितैषी, मैं सिर्फ अल्पसंख्यक हितैषी, अल्पसंख्यक चेहरे बना देने से अल्पसंख्यक हितैषी नहीं हो जाता है साहब। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक दाढ़ी टोपी लगा देने से और बगल में अमित शाह के बगल में या कोई बड़े दिग्गज नेता के बगल में बैठा देने मात्र से अल्पसंख्यक हितैषी नहीं बन जाता है। कहीं ना कहीं उसे ग्राउंड में आकर देखना होगा, मुस्लिमों के दर्द को समझना होगा। पिछले दिनों UCC का विरोध किए थे आदिवासी और मुसलमान एक साथ मिलकर, आप मुस्लिम खतियानी मंच क्या कैसे देखते हैं? बिल्कुल, अभी हम लोग सारे कोर कमेटी बैठेंगे, इस पर निर्णय लेंगे, जो निर्णय सामने आएगी हम लोग विशेष। अभी समर्थन या विरोध? अभी तो फिलहाल हम तो इस पर UCC पर कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये गलत है। गलत मानते? बिल्कुल गलत मानते हैं। आने वाले दिनों में कैसे कार्यक्रम करेंगे इस पर? हम लोग आने वाले टाइम पे हमारी अभी कोर कमेटी ने जो निर्णय लिया है कि तमाम जिलों पे जाएंगे और जिला का जो सम्मेलन है, उन जिला सम्मेलन को भरपूर रूप से, बेहतर रूप से करेंगे और 2400 जिला में अपने लोगों को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद फिर हम लोग अधिवेशन की तैयारी करेंगे और अधिवेशन बेहतर रूप से करेंगे और राज्य को बड़ा तस्वीर देने का काम। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज नियोजन नीति पर हम लोगों ने बात किया कि सरकार लगातार 60-40 जो हम लोग विरोध किए हैं, छात्र सड़कों पर है, कहीं ना कहीं आप देखे होंगे कि सड़क पर बात नहीं बनती है, हमारे युवतियों के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे छात्रों के ऊपर लाठियां बरसाने का काम करती है सरकार, विफल है। 60-40 पर अगर जल्द से जल्द हम कुछ एक्शन नहीं लिया गया तो हम लोग झारखंड खतियानी मुस्लिम मंच भरपूर इस पर प्रयास करेंगे और लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार जाएंगे और आने वाले समय पर बड़ा तस्वीर करेंगे।